और वहाँ पे भी है तो भाई यहाँ पे मोदी जी, यही पे मोदी जी दिशा में भी आए थे। गोवा ये और क्या, अभी साला एक्साइटेड रहना, ये रहे सर। चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हो ट्रैवल फ्रेंडली इंडिया का मोस्ट डेडिकेटेड ट्रैवल चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा, तारकर्ली से गोवा जा रहे हैं हम लोग। सुबह सुबह अभी निकले, ऑलमोस्ट 9:15 हो रहा है, 9 बजे निकले वाले थे, 15 मिनट हम लोग लेट है एज यूजुअल। और हम ऐसे रोड से जा रहे हैं जिसके दोनों तरफ बीच है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है। क्योंकि देखो वहाँ पे थोड़ा दिख रहा है आपको, अभी वो लेक वाला पार्ट जैसा कुछ आ गया क्योंकि बीच पीछे थोड़ा छूट गया है। हम आगे आ गए 1-2 किलोमीटर और इस तरफ भी बीच है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया जगह है। तो अभी हम लोग जाएंगे गोवा। गोवा में हम लोग और पता नहीं 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, कुछ आइडिया नहीं, बट रुकेंगे जरूर। और हम लोग चला रहे हैं थार, भी 2x4 में चला रहे हैं। आते टाइम में 4x4 में तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 4x4 में मुझे लगता है डीजल जाता है थोड़ा ज्यादा, बट 4x4 में मजा आता है। गाड़ी एकदम ऐसा रोड को पकड़ के चलती है, हैंडल भी एकदम ज्यादा स्मूथ हो जाता है, पता नहीं कैसे ये सब चीजें हो रही है। बट ये जो सीरीज है ये उसके लिए है, जैसे अगर कोई पहली बार ऑटोमेटिक चला रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। और 4x4 या थार वगैरह के बाद बात है, नॉर्मल गाड़ी से डायरेक्ट थार पे शिफ्ट हो रहे हो तो कैसी चीजें हो सकती है आपके लिए। लाइक मेरे लिए थोड़ा स्टार्टिंग का जो 1 घंटा था, जो मैंने एक इंप्रेशन वाला वीडियो बनाया था भाई, उसमें मेरा इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि मैं चला नहीं पाया मेरे पे ठीक से। बट बात है बहुत मजा है गाड़ी चलाने में, आ रहा बहुत मजा भाई। थार होनी चाहिए, लेनी चाहिए, आपको रेंट करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। गाड़ी मेरी नहीं है, नीरज की नहीं है, हमारे कुछ खास दोस्त की है, हमारे दीपक सर की। तो बस ये है मंदिर ना, और ये आया फिर से बीच। वाओ क्या ये जो ड्राइव करके जो मजा है ना, देखो सिंधुदुर्ग फोर्ट के पास है, पीछे सिंधुदुर्ग फोर्ट है और यहाँ पे है जहाँ पे मोदी जी आए थे। यहाँ पे 3 हेलीपैड बने हुए, आप वहाँ पे एक हेलीपैड है और यहाँ पे एक हेलीपैड है। अच्छा वहाँ पे भी है। तो ये है वो हेलीपैड एच, और वहाँ पे भी है। तो भाई यहाँ पे मोदी जी, यहीं पे मोदी जी दिशा में भी आए थे, वहीं पे उतरे थे। बस इतना था दिखा रहा हूँ, इसलिए अंदर डाला, यहाँ से वापस जाएंगे हेलीपैड के लिए। गाड़ी लगा दी साइड में और वहाँ पे पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप से हमने डीजल भराया और गाड़ी यहाँ पे लगाई क्योंकि मुझे सामने कुछ रेस्टोरेंट जैसा दिख गया था छोटा मोटा खाने वाने के लिए। तो मिसल पाव, भुर्जी पाव वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। वो लोग वहाँ पे बैठे हैं और अभी शायद ये बन रहा है कुछ, या शायद सीजन टाइप कुछ होगा, जब शेड वेड लग जाता होगा फिर तभी कुछ बनता होगा, बाकी टाइम पे पैक करके रख देते होंगे। यहाँ पे भी ऐसा है, अभी बज रहे 10:30 कहीं तो पहुंचे हैं। यहाँ से अभी दिखा रहा है 1 घंटा,
देखते कब तक पहुँचते हैं। 11:30 तक या 12 बजे तक तो पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 15-20 मिनट लगेंगे आस पास। तो आ गया नाश्ता, अभी नाश्ता करेंगे मस्त। भुर्जी पाओ मेरे लिए, इंडो के लिए मिसल पाओ, क्या बोलता नहीं अच्छा करेगा फटाफट तो बढ़े। हाँ वाह, अरे नॉटिंग ही करता जब देखा। पहुंच गए हम लोग गोवा। यस, पहले जबरदस्ती कर रहे हैं गाड़ी कर दी है पार्क, और हमारा होटल क्या पीछे दो जी अपना रिसोर्ट है, जहां रुके हैं। नहीं ये अपना रिसोर्ट नहीं है, छोटे मोटे में नहीं रुके, आओ हम लोग बड़े रिसोर्ट पर रुके हैं। भाइयों भाई और भाइयों की बहनों, भाई यहाँ पे देख शेक भी था भाई, यहाँ पे फुल शेक नहीं है, फुल पूल है, पूल है, पूल में क्या वो है, और ये है हमारा हमारा होटल धड़ार रेडिसंस। मजाक कर रहे हैं, ये भी नहीं है, उसके अपोजिट है, उसके अपोजिट इंडियन है, तो ये चेक करना पड़ता है। ऑटो लॉक के ऊपर भरोसा नहीं अपने को, थोड़ा खींच के चिक 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 ना, ठीक है। तो ये है रेडिसन, बड़ा होटल है, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ नहीं रुके, इतने बड़े का होटल रुके, हम लोग यहाँ पे रुके। ये है, तो हम लोग रुके मैत्री स्वीट लिविंग में, देखो रूम देखो तो पागल ही देखो, बेला कौन बेला इधर आ, चल चल बाद में मिलाना, बहुत मस्त कुछ बंदे जाते हैं। तो आ गए हम लोग होटल के अंदर, सब कुछ हो गया है, दो रूम्स लिए हमने वापस, और रूम जबरदस्त है, देखो एक ये है और एक ये है, पहले ये वाला दिखाते हैं, ये रूम, यहाँ पे है फ्रिज, पता नहीं चालू है कि नहीं, बाद में देखते हैं। ये है बेड, बहुत जबरदस्त बेड है तुम लोग ना, सुपर यस। और ये बाथरूम, ये रेडिसन का व्यू है तुम्हारे लिए, मेरा और क्लोज व्यू है अपने, ये अपना गैलरी है, बाजू वाला गैलरी है हमारा, यस। इन लोगों का और एक विंडो है क्या इधर, तो ऐसा ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, चलो दूसरे रूम में। ये मोनिका पड़ी हुई है इस रूम में, ये हमेशा की तरह मोनिका नींद बहुत आती है, और ये हमारा बहुत अच्छा मिरर, मैं दिख रहा हूँ मिरर में, नहीं तो नहीं दिख रहा है। तो इधर भी गैलरी है, ये हमारी गैलरी, और ये है रेडिसन, बढ़िया होटल है भाई, उसमें भी रुकेंगे कभी ना कभी, बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी, अच्छा रूम है, रेडी हो जाओ फटाफट। तो अभी लंच करने जा रहे हैं कहीं, तो ढूंढते कुछ अच्छा, मेरे को लगता है वहीं पे था वो, देखो वहाँ पे यहाँ पे कायाकिंग करते हैं, तो ये कायाकिंग स्पॉट है, शायद 350 रुपीज कुछ तो है, बट बहुत बढ़िया होगा। तो ये है जहाँ पे कायाकिंग होगा, तो यहाँ पे थोड़ा छा मतलब धूप कम होगी, तो आएंगे वापस, अभी पहले लंच कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारी चिकन थाली,
सकते हैं। चिकन थाली है, ये है चिकन क्रिस्पी, ये है फिश थाली, बाकी चीजें अभी आ रही है। हम लोग तो खाना स्टार्ट करते हैं और बता दिए क्या खाया है। इसके बाद हम लोग जाने वाले कायाकिंग और वहाँ भी बताएंगे स्विंग, तो दोनों खाना है। चलो बाय। तो लंच हो गया, लंच के बाद हम लोग थोड़ी देर सो भी गए, पता नहीं क्या है ये खाना खा रहे सो रहे, खाना खा रहे सो रहे, घूम नहीं पा रहे ठीक से। तो अब तो निकलना ही पड़ेगा और हम लोग निकल गए। देखो यहाँ पे लोग कायकिंग कर रहे हैं, दिखाता रुको ठीक से। तो लोग कायकिंग कर रहे हैं और वही हम भी करने जा रहे हैं, और ज़्यादा टाइम है नहीं अभी। हम 4 बजे सोचे थे हम लोग निकलने, कितना बज रहा है? 6:30 हो गए भाई, 2.5 घंटे लेट है हम लोग, फिर भी ट्राई करते हैं कि खड़े जल्दी जल्दी और निकले। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ होगा। और अभी मैंने ये पहना, मुझे गर्मी थोड़ी होने वाली, वैसे धूप में पहनने से तो अच्छा है। अभी पहले पता नहीं क्या कपड़े उठा के लेके आया मैं। भाई आ गए भाई, करेगा बराबर राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इसको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, इसको आती ही जाए बैठे कर लेंगे अपन। लेफ्ट लेफ्ट उल्टा चला, उल्टा करो उल्टा करो उल्टा 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 करो उल्टा करो उल्टा करो अबे उल्टा करो। मेरे कपड़े गीले कर दिए भैया। चलो 1 2 3 सारे तुम दो लोग कर रहे हो, मैं अकेला कर रहा हूँ। तो बुरी तरीके से रेस संभाल चुके हैं मेरे दोस्तों, और इसका क्रेडिट चाहता है मौलिका को। मौलिका ने बुरी तरीके से हमें रेस चलाया, चप्पू उल्टा चला के, ये आगे से रिवर्स और मैं पीछे से फॉरवर्ड जा रहा हूँ, और हम एक ही जगह पे कब से। कोई बात नहीं, अगले साल इसको फिर से ट्रेन करके लेके आएंगे, सुबह सुबह इसके इसको स्टूल में बिठा के बाजू में 2 बाल्टी लग के इसको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखते कहाँ जाती है। हाँ ये देखो बढ़िया लगे, सब लोग घूम रहे मस्त एकदम। अभी हम लोग कायकिंग से बोटिंग पे आ गए। अच्छा 4x4 कर लिया हम लोगों ने। ये 4x4 हो गया अभी, इसको बीच से बांध देते हैं। 4x4 कायकिंग। हाँ एयरड्रॉप पे भेजो, इससे भी नया नया आईफोन खरीदा है।
शेयरिंग एंड कैरिंग, वीडियो सिलेक्ट कर डायरेक्ट शेयर कर, उस पर एयरड्रॉप आएगा। नीरज ने भाई नया धंधा चालू किया काइकिंग करते करते, बीच में साला 500-500 रुपए में वीडियो शूट करके देगा। क्या बात है, आईफोन 15 में वीडियो शूट करके देगा 500 रुपए, क्या बोलते हैं? तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, 4x4 एक्टिवेटेड। बहुत ज़्यादा शोर है और ब्लॉग नहीं कर पा रहे भाई लोग, बट जो भी है वो दिखाएंगे। देखो फुल डांस हैशटैग।